आज के वीडियो में आपकी कवर करी गई असिस्टेंट एसोसिएट एंड प्रोफेसर की वैकेंसी, जहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 14 अप्रैल। तो आपको टाइम काफ़ी मिलेगा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। डिटेल मैंने कवर करी है, सब्जेक्ट्स भी अच्छे सारे कवर हो रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है। ये आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आती है। एंड इस यूनिवर्सिटी के एक कैंपस है एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया एंड 8 नंबर ऑफ वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14 अप्रैल। लिंक तो आपको इस रिक्रूटमेंट के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन में ही अप्लाई का लिंक। एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपके 8 डिपार्टमेंट कवर हो रहे हैं। यहाँ पे आपकी वैकेंसी रहेगी असिस्टेंट एसोसिएट एंड प्रोफेसर की। तो प्रोफेसर में आपके डिपार्टमेंट है फोरेंसिक साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक, फोरेंसिक साइंस एंड फोरेंसिक बायोलॉजी, डीएनए, बायोटेक्नोलॉजी, जर्नल केमिस्ट्री, लो फोरेंसिक केमिस्ट्री, जर्नल मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, डाटा एनालिटिक्स, साइबर आईटी, डिजिटल फोरेंसिक, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपके कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी 39 पोस्ट कवर हो रही है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में आपकी डिपार्टमेंट दे रखी है स्कूल ऑफ लॉ, फोरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़। लास्ट डेट जैसे मैंने आपको बताया 14 अप्रैल रहेगी। एंड यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन दे रखी है प्रोफेसर के लिए, तो ऑब्वियसली पीएचडी मैंडेटरी है, 10 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, इवन टीचिंग एक्सपीरियंस भी चलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 8 ईयर्स का टीचिंग या रिसर्च में। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। उसके अलावा इतनी डिटेल दे रखी थी। एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपीज़। एंड इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरी लाइक एस सी, एस टी, पी डब्ल्यू डी एंड वुमेन एप्लीकेंट हो, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है। रिक्रूटमेंट इतनी बड़ी नहीं है लेकिन डिटेल में आपको फिर भी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, तो आप वो रीड आउट कर सकते हो। बाकी अगर अप्लाई करते हो कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।